ले लिया मारे को ऐसा कैसे हो सकता है लिया विशाल जी ये सच नहीं हो सकता हमारे 87% हाँ वही तो मेरे को लगा कि मारे को 87 कैसे हो सकते मारे को 87 आते तुम्हारे दिल तुम्हारे गुर्दे तुम्हारे फेफड़े सब फेल हो जाते अब बस ये भी फेल ना तो मैं भी फेल ना हूँ खाट श्याम जी पर बताइए बनेगा इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने कड़ी मेहनत की और इतने अच्छे प्रतिशत लाया तुम तुम्हारे को मैं भी पास हो जाऊँ होना चाहिए तुम्हारे मुंह में ना ढेर सारे फालतू भगवान करे ऐसा ही क्योंकि बारे को ना लड़ने का कुछ भी कहते ना खाली डांटा को खाली डांटा को कर वैसे ही मारे बस मैं इतनी चाहती हूँ पढ़ने का एंड यू आर वाचिंग अस ऑन टेली रिपोर्टर तो बेसिकली अभी हम लोग कॉलेज में हैं एंड हमारा रिजल्ट शोइंग था आज तो जैसे ही मैं अपना रिजल्ट देखती हूँ तो मेरा रिजल्ट होता है 87% एंड मैं वो बुलबुल चाची को दिखाती हूँ तब भी उन्हें लगता है कि वो उनका रिजल्ट है बल्कि होता है मेरा तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ये मेरा रिजल्ट है एंड वो अपने रिजल्ट के लिए वेट कर रही होती है एंड उन्हें टीचर बुलाती है एंड वो जाती है उनके पास तो जैसे ही वो रिजल्ट देख के आती है उनकी आंखों में आंसू होते हैं एंड वो एकदम डरी हुई होती है तो उन्होंने रिजल्ट बेसिकली देखा नहीं है एंड जैसे ही वो आती है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि क्या रिजल्ट आया है आपका एंड वो कहती है कि मुझे नहीं पता मैंने नहीं देखा तो जैसे ही मैं देखती हूँ तो मैं शॉक हो जाती हूँ एंड उनकी आंखों में से भी आंसू निकलते हैं एंड वो डर के भाग जाती है तो अब देखना ये है कि रिजल्ट कैसा आया है अच्छा या बुरा रिजल्ट में आखिर है क्या तो यार ये थोड़ा सा मुझे लगता है सस्पेंस रहने देना चाहिए क्योंकि जो कमेंट्स में पढ़ती हूँ तो व्यूअर आर लाइक कि यार आप सब कुछ रिवील कर देते हो तो इस बार ना सस्पेंस रहने देते हैं एंड देखते हैं कि क्या है यार ऐसा रिजल्ट में जिसको देख के भरने का भी शौक है एंड बुलबुल भी शौक्ड है फैंस को यही एंड देना चाहूँगी कि आगे का जो सीन है उसमें मैं कहती हूँ कि अगर बुलबुल चाची फेल हो गई या उनके मार्क्स कम आए तो वीर चाचू ने ये कहा है कि वो उन्हें छोड़ देंगे एंड रिजल्ट जैसा दिख रहा है तो आई थिंक हमें ये सोचना होगा कि रिजल्ट में ऐसा क्या है कि बुलबुल चाची डर के कहीं भाग चुकी है ना वो घर पर है ना कॉलेज है तो मैं और वीर चाचू दोनों ही डरे हुए हैं कि बुलबुल चाची गई कहाँ है तो आखिर बुलबुल चाची के दिमाग में क्या चल रहा है क्या है बुलबुल चाची का प्लान तो वही देखना है और रिजल्ट में क्या है भाई ये देखना है